Hello and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Editorial Analysis covering 27th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स कवर करेंगे जो कि हमारे UPSC प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द टोक्यो क्वाड समिट. इट्स एन इम्पॉर्टेंट इशू दीज डेज. द इंडो पैसिफिक रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्वाड को यहाँ पे कवर करेंगे. एंड देन फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस, दैट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ मीजल्स एंड रुबेला बाय 2023. विल नो व्हाट इज मीजल्स एंड रुबेला, व्हाई वी नीड टू एलिमिनेट इट, एंड व्हाट आर द वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दैट आर डन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ मीजल्स एंड रुबेला. दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला एडिटोरियल मीजल्स रुबेला एलिमिनेशन के बारे में है. दिस टॉपिक बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. सो रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीसेट द मीजल्स रुबेला एलिमिनेशन टारगेट. एंड अब ये टारगेट अचीव किया जाएगा बाय 2023. ऑलरेडी कोविड 19 पैंडमिक की वजह से जो लास्ट टू ईयर्स थे प्रोग्राम के वो इफ़ेक्ट हुए हैं. तब गवर्नमेंट ने इस टारगेट को रीसेट करके 2023 तक कर दिया है. नाउ इससे पहले कि हम कुछ और डिटेल्स देखें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ मीजल्स एंड व्हाट इज़ रुबेला. तो मीजल्स एक बहुत ही कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है. तो पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि मीजल्स इज़ बेसिकली अ वायरल इन्फेक्शन. डिस्पाइट वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ यू नो सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन, बट स्टिल अगर हम ग्लोबली देखें तो यंग चिल्ड्रन में मीजल्स आर स्टिल एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ. एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू एडवर्स आउटकम्स ऑल्सो, जैसे कि ब्लाइंडनेस, निमोनिया, इंसेफेलाइटिस, ये सब भी इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. तो इस रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन में बेसिकली क्या होता है, दैट देर इज़ टोटल बॉडी स्किन रैश. तो बॉडी के ऊपर रैशेज आ जाते हैं एंड यू हैव अ फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड इट इज़ वेरी कंटेजियस. तो ये पीपल यू नो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है और ये ट्रांसमिट होता है वाया ड्रॉपलेट्स. तो अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो स्नीज करता है या कफ करता है तो उस ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है टू द नेक्स्ट पर्सन. इनिशियल सिम्टम्स जो मीजल्स के आते हैं ये कुछ 10 to 12 डेज़ के बाद आते हैं आफ्टर द इन्फेक्शन. एंड इनिशियल सिम्टम्स में देर इज़ वेरी हाई फीवर, रनी नोज एंड ऑल्सो ब्लड शॉर्ट आइज़ आपको देखने के लिए मिलती हैं, बिल्कुल ब्लड शॉर्ट आइज. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ कॉप्लेक्स स्पॉट. तो इनसाइड द माउथ हमारा जो चीक वाला जो एरिया है वहाँ पे बहुत ही छोटे 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 वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं जिनको कॉप्लेक्स स्पॉट्स कहा जाता है. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है. तो हाई फीवर होना, रनी नोज होना, ब्लड शॉर्ट आइज होना, कॉप्लेक्स स्पॉट्स का आना इनसाइड द माउथ, एंड कुछ दिनों के बाद जो रैशेज हैं वो डेवलप होते हैं. एंड जैसे कि हमने कॉम्प्लिकेशंस की बात की तो मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में ब्लाइंडनेस हो सकती है, इंसेफेलाइटिस हो सकता है. इंसेफेलाइटिस इज़ बेसिकली स्वेलिंग ऑफ द यू नो ब्रेन. एंड देन देर इज सिवियर डायरिया ऑल्सो, निमोनिया. तो ये इसके एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. देर इज़ नो स्पेसिफिक मेडिसिन जिसके थ्रू हम इस वायरल की इन्फेक्शन को कंटेन कर सकें. द ओनली थिंग इज़ अबाउट द सिम्टोमेटिक रिलीफ. तो वन थिंग इज़ रुबेला. इसके बाद ये हमने डिस्कस किया मीजल्स के बारे में. इसके बाद आता है रुबेला. तो रुबेला के लिए भी याद रखिएगा दैट रुबेला इज़ ऑल्सो अ वायरल डिजीज़ एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉज बाय रुबेला वायरस. एंड ये भी मोस्टली हमारी स्किन और लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है. तो रुबेला की वजह से माइल्ड फीवर होता है चिल्ड्रंस में, अगैन रैशेज आते हैं. इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान इवन प्रेगनेंसी में भी रुबेला के इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है वो काफ़ी बड़ा होता है. एंड दिस कैन लीड टू मिसकैरेज और फीटल डेथ और इवन स्टिल बर्थ. सो कभी कभी इवन अगर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान किसी लेडी को अगर रुबेला इन्फेक्शन हो जाए तो देर इज़ पॉसिबिलिटी दैट इन्फेंट्स आर बॉर्न विद कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस. तो उसे कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम भी कह दिया जाता है.
तो इसे कॉमनली जर्मन मीजल्स भी बोल देते हैं, 3 डे मीजल भी बोल देते हैं, क्योंकि एज कम्पेयर टू मीजल्स जो रुबेला है वो कंपैरेटिवली माइल्ड है। लेकिन जैसे कि हमने बात की, ये प्रेग्नेंट वीमेन में जो इन्फेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रहती है, बिकॉज दिस कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द बेबी। एंड इसके बाद इस सिंड्रोम को कहा जाता है कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम। रुबेला भी सिमिलरली मीजल्स के जैसे ही ट्रांसमिट होता है। यहाँ पे भी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स जो हैं फ्रॉम नोज, माउथ और थ्रॉट, अगर वहाँ से निकलते हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन और किसी और पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वहाँ से इन्फेक्शन हो सकती है। सो बोथ मीजल्स एंड रुबेला, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल वायरल इन्फेक्शन, बोथ ऑफ देम आर कंटेजियस। एंड यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। फीवर आता है, रैशेज आते हैं। मीजल इज़ मोर सिवियर देन रुबेला, बट रुबेला इज़ मच मोर डेंजरस इन दी प्रेग्नेंट वुमेन। सो इसके बाद वी शुड नो अबाउट द वैक्सीनेशन। अब जब मीजल्स और रुबेला की बात कर रहे हैं, हमें इसकी वैक्सीन का भी पता होना चाहिए। तो MR वैक्सीन दी जाती है। MR इट्स अ कम्बाइंड प्रोडक्ट जिसमें मीजल्स और रुबेला को कम्बाइन किया जाता है और एक ही शॉट में इन दोनों डिसीजेज़ को टारगेट किया जाता है। बेसिकली 2 शॉट्स ऑफ MR वैक्सीन दी जाती है। पहली शॉट दिया जाता है बिटवीन 9 to 12 months एंड द सेकेंड शॉट इज़ गिवन एट 16 to 24 months ऑफ द एज। तो 2 डोजेस MR के दिए जाते हैं। बट अगर बच्चे ने जो शेड्यूल डोज थी उसे मिस कर दिया, इस टाइम के दौरान नहीं लिया, तो ये अप टिल द एज ऑफ 5 ईयर्स जो शॉट है वो दिया जा सकता है। नाउ फॉर द एपिडेमोलॉजिकल रीजन्स, जो रुबेला वैक्सीन है इट हैज़ टू कवर चिल्ड्रन अप टू 15 ईयर्स, क्योंकि दे आर द मोस्ट टारगेट ग्रुप ओवर हियर। एंड जो सेम वैक्सीन है ये इंडिया में हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये उसका पार्ट है, और रूटीन में MR डोज यहाँ पे दी जाती है। तो बेसिक चीज़ 2 टाइम्स ये डोज, दो शॉर्टेस्ट डोज के होते हैं 9 to 12 months में एंड देन 16 to 24 months के दौरान। नाउ इसके बाद ये क्वेश्चन आता है दैट यू नो व्हाई शुड दिस डिसीज़ बी एलिमिनेटेड, व्हाट इज़ दिस मीजल्स रुबेला एलिमिनेशन। सी जब हम कहते हैं कि हमें मीजल्स और रुबेला के एलिमिनेशन करनी है, इट मीन्स दैट देर इज़ 0 ट्रांसमिशन ऑफ मीजल्स एंड रुबेला वायरस। एंड ये कब होगा? जब हमारे पास जो क्लिनिकल डिजीज़ है इसके एविडेंसेस 0 हो जाएं, एंड अगर ये लगातार 3 ईयर्स के लिए रहे, सो इफ़ फॉर द कंटिन्यूस 3 ईयर्स वी हैव 0 ट्रांसमिशन ऑफ मीजल्स एंड रुबेला, वी हैव 0 एविडेंस ऑफ दिस क्लिनिकल डिजीज़, तो उस टाइम पे हम डिफाइन करते हैं कि जी ये पर्टिकुलर डिजीज़ एलिमिनेट हो गई। तो MR की एलिमिनेशन के लिए, मीजल्स और रुबेला के एलिमिनेशन के लिए फॉर 3 ईयर्स देर शुड बी 0 ट्रांसमिशन ऑफ द मीजल्स एंड रुबेला वायरस, and it should be evidenced by the 0 clinical disease which is sustained over 3 years। तो यहाँ पे इस elimination process में 2 बड़ी चीज़ें important हो जाती हैं। One is vaccination and the other one is surveillance। तो हम इसके intervention, इसके elimination दोनों के बिना नहीं कर सकते, vaccination and then surveillance। सर्वेलेंस से हम उन places को identify कर पाएंगे जहाँ पे ये जो virus है वो अभी भी transmission में है या नहीं, एंड देन द वैक्सीनेशन कैन बी पिन पॉइंटेड देयर टू स्टॉप द फर्दर स्प्रेड। तो सर्वेलेंस करेंगे, हॉटस्पॉट्स देखेंगे कि कहाँ पे ये वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रही है, और फिर उन्हीं एरियाज़ में वैक्सीनेशन ड्राइव को इंक्रीज करेंगे ताकि जो उसका फर्दर जो ट्रांसमिशन है, जो स्प्रेड है, वो स्टॉप हो सके। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा देखें तो हमारा जो प्री वैक्सीनेशन एरा था, ठीक है, वहाँ पे अब जो पोलियो पैरालाइज दैट वाज अबाउट 1% ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 5, एंड मीजल्स एक्चुअली किल्ड 1% ऑफ ऑल द अंडर 5 चिल्ड्रन। तो पोलियो ने 1% ऑफ द ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 उसको पैरालाइज किया था, एंड मीजल्स ने 1% ऑफ ऑल द अंडर 5 चिल्ड्रन दे वर एक्चुअली किल्ड बिकॉज ऑफ मीजल्स। तो अगर हम मीजल्स का केस यू नो हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो देखें, तो वो कुछ 10 to 15% था इन द प्री वैक्सीनेशन एरा। वो बच्चे जिन्होंने मीजल से रिकवर किया, दे लॉस्ट देयर वेट एंड दे वर यू नो ऑफ स्टेडी मोमेंटम ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो, उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस थी वो भी वहाँ पे अफेक्ट हुई। जो मीजल है ये बच्चे के इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है, एंड इट मेक्स द चाइल्ड मोर वल्नरेबल टू द अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस, जिसकी वजह से अगर मीजल से बच्चा सर्वाइव कर भी गया, फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स
जो टेंडेंसी है, जो इंसिडेंस है टू कैच अदर इन्फेक्शियस डिजीजेज वो बढ़ जाता है एंड देयरफॉर लीड्स टू हाई मोर्टालिटी ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एलिमिनेशन ऑफ रूबेला, वाई वी नीड टू दिस, तो मीजल तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि हाउ डेंजरस इट इज़, फर्टिलिटी रेट कितना है, कितना ज़्यादा ये हमारे पास यू नो मोर्टालिटी को बढ़ा देता है, हाउ इट अफेक्ट्स द चिल्ड्रेन. रुबेला की एलिमिनेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर प्रेग्नेंट वेमेन इज़ इन्फेक्टेड विद द रुबेला वायरस, सो देन वायरस, दिस वायरस हैज़ द टेंडेंसी टू क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है एंड देयरफॉर इट कैन डैमेज द फीटस आई, ब्रेन, हार्ट और अदर टिश्यूज इज वेल. तो जैसे कि हमने कहा कि ऐसे जो इफेक्टेड बेबीज जिनका बर्थ होता है, दे हैव सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स, दे कैन हैव कैटरैक्ट, डिफनेस, हार्ट डिफेक्ट्स, डेवलपमेंटल डिलेज, तो इन सबको मिलाकर कह दिया जाता है कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम. तो ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं. देयरफॉर वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमिनेशन ऑफ मीजल्स एंड रुबेला. ना इसके बाद हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट वर द एफर्ट्स दैट वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एलिमिनेट द मीजल्स एंड रुबेला. इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट रहे हैं. तो सबसे पहले कुछ इसके डाटा को समझते हैं. तो हर साल इंडिया में 2.7 मिलियन चिल्ड्रन दे गेट मीजल्स एंड ओवर 40,000 चिल्ड्रन दे आर बॉर्न विद द बर्थ डिफेक्ट्स विच आर कॉज्ड बाय कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम. तो ये नंबर्स देख के हमें क्लियरली समझ में आता है दैट येस, द प्रेविलेंस ऑफ दिस डिसीज, द इंसिडेंस ऑफ दिस डिजीज इज़ वेरी हाई. और जैसा कि हमने कहा कि एम आर एलिमिनेशन हम कब डिफाइन करेंगे, जब हमारे पास जीरो ट्रांसमिशन है मीजल्स और रुबेला का, वी हैव जीरो क्लिनिकल डिजीज ऑफ इट एंड दिस कंडीशन इज सस्टेन्ड ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, देन ओनली वी कैन से दैट वी हैव एलिमिनेटेड मीजल्स एंड रुबेला. तो यहाँ पे वैक्सीनेशन और सर्वेलेंस दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. गवर्नमेंट इनिशियली डिसाइडेड टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रुबेला फ्रॉम इंडिया बाई द ईयर 2020. इससे पहले हमने 2015 का टारगेट सेट किया था लेकिन वो टारगेट हमने मिस कर दिया, जिसके बाद 2020 को टारगेट सेट किया गया. इसके बाद 2017 में गवर्नमेंट ने एम किया था वी नीड टू क्रिएट अ वेरी हाई लेवल ऑफ वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट बोथ द डिजीजेस. सो वो कैसे अचीव होगी, हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी आएगी तो उसके लिए वी नीड MR वैक्सीन. तो फिर स्कूल रजिस्ट्रेशन, अटेंडेंस, दे आर हाई इन ऑल द स्टेट्स. तो अपॉर्चुनिटी वहीं पे सीज की गई दैट वी नीड टू सीज द अपॉर्चुनिटी हेयर ओनली. बट अगैन बिकॉज देर वॉज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन विच वॉज गिवन टू द पब्लिक, तो पेरेंट्स में, स्कूल अथॉरिटीज़ में इस ड्राइव के अगेंस्ट काफ़ी एनजाइटी थी, एंटीपैथी थी कि ये प्रोग्राम क्यों चल रहा है. देन इसके बाद जो 2020 का टारगेट सेट किया गया, बीच में COVID-19 आ गया जिसकी वजह से 2 साल प्रोग्राम के और ज़्यादा स्टॉल हो गए. तो अब इसका जो टारगेट है वो 2023 सेट किया गया है. नाउ बेशक पैंडमिक चल रहा है लेकिन हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है अभी भी इट हैज़ मेंटेन्ड अबाउट 85% MR सेकेंड डोज कवरेज बिलो द 5 ईयर्स ऑफ एज. तो पेंडेमिक चलते हुए भी जो सेकेंड डोज MR की लगनी थी बिलो द एज ऑफ 5, उसको अराउंड 85% पे मेंटेन किया गया है. सो फॉर दैट वी नीड कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट्स, हेल्थ केयर पर्सनल्स एट ऑल द लेवल्स, ओपिनियन लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया, NGO. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय मेकिंग द डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टोरी ऑफ सक्सेस इन टर्म्स ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ मीजल्स एंड रुबेला. नाउ यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में एक तो हमें पता होना चाहिए दैट वी हैव अ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान. तो जो मीजल्स और रुबेला की एलिमिनेशन के लिए वी हैव अ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान एंड ये हमारी नेशनल हेल्थ प्रायोरिटी इसे दी गई है एंड इसलिए गवर्नमेंट ने इस नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान को अडॉप्ट किया है विच इज़ फॉर अचीविंग एंड सस्टेनिंग, विच इज़ फॉर अचीविंग एंड सस्टेनिंग मीजल्स एंड रुबेला एलिमिनेशन. एक तो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान बना हुआ है, टारगेट इसके अंदर तो हमने देख लिया
कि पहले टारगेट सेट किया गया था 2015 के लिए, लेकिन वो हमने मिस कर दिया, जिसके बाद 2020 का टारगेट सेट किया गया, फिर यहाँ पे कोविड आ गया, तो अब इस टारगेट को सेट किया गया है 2023 पे। अब यहाँ पे जो कि हमने अभी पीछे देखा कि स्कूल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ पे हमें टारगेट करना चाहिए। सो देयरफॉर हमारे पास जो स्कूल बेस्ड कैंपेन्स मीज़ल और रुबेला की वैक्सीनेशन को लेकर जो होते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड ये सभी स्टेट्स में कंडक्ट किए गए थे इन 2017 में स्कूल बेस्ड कैंपेन्स किए गए, जिसके अंदर 5 to 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको टारगेट किया गया फॉर द मीज़ल्स एंड रुबेला वैक्सीनेशन। बट जो रिस्पॉन्सेज थे वो मिले जुले थे। सक्सेस इन सम स्टेट्स वॉज वेरी गुड, बट इन अदर्स इट वॉज नॉट। तो नाउ यू कैन से दैट यू नो आर कंट्री इज़ मूविंग टूवर्ड्स द MR एलिमिनेशन एंड वी आर अचीविंग दिस गोल। वी आर सस्टेनिंग द वैक्सीनेशन कवरेज ऑफ 95%। यहाँ पे अगर हम MR वैक्सीन की बात करें तो हमारी जो कवरेज है वो 95% पे सस्टेन रहती है विद 2 डोजेज ऑफ मीजल्स एंड रुबेला कंटेनिंग वैक्सीन। यहाँ पे एक और चीज़ जो कि हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ हेल्थ, वी शुड नो, दैट इज़ द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इंडिया का जो ये UIP है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसके तहत फ्री वैक्सीन्स प्रोवाइड की जाती हैं अगेंस्ट दी 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। तो फ्री वैक्सीन दी जाती है अगेंस्ट दी 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। तो लाइफ सेविंग वैक्सीन ऑल अक्रॉस द कंट्री दी जाती है, जिसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, पेट्रोसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, मेनिनजाइटिस, देन ड्यू टू दी यू नो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, मीजल्स, रुबेला, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस, डायरिया, ये सब यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। जब आप साइंस पढ़ते हैं, जब आप वहाँ पे हेल्थ का टॉपिक पढ़ते हैं, तो यू रीड अबाउट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं जो कि इस प्रोग्राम में आती हैं। एंड जब आप हेल्थ के अंदर डिजीज़ का टॉपिक पढ़ते हैं, तो ये 12 की 12 डिजीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बी ट्यूबरक्लोसिस, बी डिप्थेरिया, पेट्रोसिस, टेटनस, पोलियो एंड सो ऑन। तो एक तो ये चीज़ आपने करनी है कि जो 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ UIP में कवर होती हैं उनके बेसिस आपको पता होनी चाहिए, डिजीज़ कौन करता है, बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, क्या इसकी यू नो मेडिकेशंस दी जाती हैं, इसकी वैक्सीन कब कब लगती है, तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बैक्टीरियल है कि वायरल है, क्या नेचर है डिजीज़ का, सो दैट यू शुड नो। ये 12 डिजीज़ जो UIP में कवर होती हैं, यू मस्ट कवर इट। इसके अलावा अगर हम बाकी स्टेप्स की बात करें, तो द कंट्री इज़ ऑल्सो प्रायोरिटाइजिंग टू कंटिन्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ की स्ट्रैटेजीज फॉर स्ट्रेंथनिंग सर्वेलेंस। एज वी सेड, सर्वेलेंस को बढ़ाने के लिए हमें फ्रंट लाइन वर्कर्स को यू नो सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वी नीड यू नो कि जो इंक्रीजिंग जो एक्टिव केस रिसर्च हैं, जो कहाँ पर एक्टिव केसेस चल रहे हैं, उसकी रिसर्च को इंक्रीज़ करना होगा। साथ ही में हमारा जो रिपोर्टिंग नेटवर्क है उसे एक्सपैंड करना होगा। देर शुड बी रैपिड रिस्पॉन्स टू द आउटब्रेक। सो फॉर दैट वी नीड टू क्रिएट दिस सिनर्जिस्ट लिंकेजेस बिटवीन द MR एंड द अदर पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज सच एज हेल्थ सिस्टम्स एंड द स्ट्रेंथनिंग एंड द एमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड द रिस्पॉन्सेज। एंड फॉर द सेम मिशन इवन WHO की सपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन WHO's country office for India, it is supporting government of India and other state governments towards reaching this key elimination target. And for this, WHO has also provided the technical assistance to monitor all rounds of the, you know, IMI to support the immunization strengthening also. So, इस target को achieve करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए that we also have support from WHO. बट सी, अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझनी होगी, टारगेट हमने कितनी बार सेट किया, पहले 2015 में, फिर 2020 एंड 2023, बट देर आर सम इश्यूज़ एंड चैलेंजेस, जैसे कि हमने पहले भी कहा, जैसे कि जो स्कूल मैनेजमेंट है, टीचर्स हैं, इवन चिल्ड्रन देमसेल्फ,
पेरेंट्स दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस यू नो स्कूल टू स्कूल बेस्ड कंपेन्स कि किस तरह मीज़ल रुबेला वैक्सीनेशन को लेकर ये स्कूल बेस्ड कंपेन्स किए जा रहे हैं. एंड जो टारगेट सेट किए गए दे वर नॉट अचीव ड्यू टू देर वॉज गैप इन इम्यूनाइजेशन एंड ऑल्सो COVID-19 पैंडमिक की वजह से भी जो प्रोग्राम है इसकी जो रिजल्ट थे वो डिले हो गए. सो नाउ वी कैन रीच द मीज़ल्स रुबेला एलिमिनेशन गोल इन इंडिया इफ़ वी कैन स्ट्रेंथन द सर्वेलेंस सो दैट वी कैन फाइंड इन्वेस्टिगेट एंड कलेक्ट एंड ऑल्सो टेस्ट द सैम्पल ऑफ एवरी सस्पेक्टेड केस. किसी भी स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो सर्वेलेंस है वो स्ट्रेंथन अप होनी ज़रूरी है. सो इट इज़ टाइम दैट वी नीड टू यू नो फर्दर स्ट्रेंथन आर रूटीन इम्यूनाइजेशन ऑल्सो ताकि इन सब को लेकर हम इंटेंसिफाइड एफर्ट्स कर सके एंड जो भी इम्यूनिटी गैप्स हैं उनको हम क्लोज कर सकें. एंड फॉर दिस वी हैव आर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष ऑल्सो जिसका स्पेशल फोकस यहाँ पे किया जाए ऑन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डोज ऑफ मीजल एंड रुबेला कंटेनिंग वैक्सीन. सो ऑल दिस डिस्ट्रिक्ट्स इन अ स्टेट कैन बी गैल्वनाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ऑल स्टेट्स कैन बी सपोर्टेड बाय द इम्यूनाइजेशन डिवीजन ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड वेलफेयर और ये नेटवर्क बनाकर ये सिनर्जी बनाकर मीजल्स और रुबेला को एलिमिनेट किया जा सकता है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल क्वाड समिट से रिलेटेड है. क्वाड समिट जो कि टोक्यो में हुआ था. वी हैव कवर्ड दिस बट अगैन द न्यूज़पेपर्स आर फुल ऑफ द एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स कवरिंग क्वाड समिट. तो क्वाड अभी हम इसे क्विकली गो थ्रू करेंगे बिकॉज वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन न्यूमरस टाइम्स. यू शुड नो द मेंबर कंट्रीज ऑफ क्वाड. सो द आंसर इज US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. लास्ट समिट कहाँ पे हुआ? टोक्यो में हुआ. ना वी शुड नो व्हाट इज़ द क्वाड. तो यहाँ पे थोड़ा और अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो बेसिकली 2004 में जब डिवास्टेटिंग सुनामी आई थी इंडियन ओशन में तो उस टाइम पे इन कंट्रीज़ के बीच में एक लूज सी पार्टनरशिप डेवलप हुई थी बेसिकली टू प्रोवाइड द ह्यूमैनिटेरियन एंड डिज़ास्टर असिस्टेंस. एंड इनमें US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दे वर इंक्लूडेड. फिर 2007 में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जापान के सिंजो एबे ने इसे फॉर्मलाइज किया था. बट देन अगेन इट फेल डोमेंट फॉर नियरली अ डिकेड. हमने देखा कि किस तरह पहले ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन नहीं कर रहा था बट देन अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन. देन दिस ग्रुप वॉज रीस्ट्रक्चर्ड इन 2017 एंड इट काइंड ऑफ रिफ्लेक्टेड द चेंजिंग यू नो एटीट्यूड इन द रीजन टूवर्ड्स चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस. हमारा ये जो इंडो पैसिफिक एरिया है यहाँ पे चाइना की जो इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है उसके अगेंस्ट एक रिफ्लेक्ट करते हुए दैट वी हैव अ चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट ये एक एक्सप्रेशन यहाँ से निकला. एंड जो फर्स्ट फॉर्मल समिट क्वाड का हुआ था दैट वाज इन 2021. हाउएवर क्वाड मेंबर्स से दैट द ग्रुप इज मेंट टू डीपन द इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक एंड द मिलिट्री टाइज बट चाइना ऑलवेज टर्म दैट दिस क्वाड इज एशियन नेटो. बट हमने डिफरेंस देखा. क्वाड में नेटो जैसी कोई बात नहीं है. नेटो में जो कंडीशन है दैट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्स व्हेन इट कम्स टू एनी अटैक तो वो यहाँ पे नहीं है. द ग्रुप हैज़ हेल्ड क्वाड प्लस मीटिंग्स ऑल्सो जिसके अंदर साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम को इंक्लूड किया गया. तो इट काइंड ऑफ शोज दैट कि इन फ्यूचर भी जो हमारी क्वाड है इसकी एक्सपेंशन हो सकती है इन दिस पर्टिकुलर रीजन. तो डिस्कशंस क्वाड में क्या क्या हुई ये हमने देखा. तो सबसे पहले तो रशिया यूक्रेन इन्वेजन की यहाँ पे बात की गई. तो US, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने एक इक्विवोकल स्टैंड रखा अगेंस्ट रशियाज एग्रेशन. हाउएवर इंडिया का अगेन जो पोजीशन थी वो यहाँ पे न्यूट्रल थी एंड वी कॉल्ड फॉर दैट एवरी कंट्री शुड रिस्पेक्ट द टेरिटोरियल सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी एंड द यूनाइटेड नेशंस चार्टर. तो US, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छे से अगेंस्ट द रशिया एग्रेशन बोला बट इंडिया ने क्वाड में भी अपना एक न्यूट्रल स्टैंड बनाकर रखा. नाउ चाइना को लेकर भी यहाँ पे बात की गई कि जो हर एक क्वाड स्टेटमेंट होती है इट हैज़ अ प्रॉक्सी रेफरेंसेस टू चाइना इन रिपीटेड एम्फोसिस लाइक द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, फ्री एंड ओपन यू नो इंडो पैसिफिक. तो इट्स अ थ्रेट ऑफ चाइना जो यहाँ पे है उसकी पॉलिसीज को अपोज करते हुए एक प्रॉक्सी रेफरेंसेज हमेशा चाइना को लेकर यहाँ पे दी जाती हैं. इवन 2008 में क्वाड से ऑस्ट्रेलिया बाहर निकलता है बिकॉज इट डिड नॉट वॉन्ट टू गो अगेंस्ट द चाइना विद विच इट हैज़ अ डीप इकोनॉमिक टाइज बैक देन. लेकिन चाइना की जो मिलिटराइजेशन है, जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह से वो टेरिटोरियल क्लेम्स करते हैं, फॉर दैट दे हैव दिस पुश, डिटरमाइंड पुश.
दिस हैज़ अफेक्टेड ऑल दीज कंट्रीज़ एंड ये चारों कंट्रीज़ दोबारा इकट्ठे हुए 2017 में, जिसे क्वाड 2.0 भी कहा जाता है. द पेंडेमिक इसे लेकर जो कंट्रोवर्शियल ओरिजिन्स चाइना से आ रहे थे, तो अल्टीमेटली इस पैंडेमिक की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी वो डिसरप्ट हो गई. एंड इवन दिस पैंडेमिक वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल फॉर ब्रिंगिंग दीज फोर कंट्रीज टुगेदर. बट ईच क्वाड मेंबर व्यू चाइनीज थ्रेट डिफरेंटली. यूएस के लिए चाइना थ्रेट क्यों है? इट्स अबाउट ट्रेड एंड ताइवान. ऑस्ट्रेलिया चाइना से क्यों क्यों थ्रेटेड है? बिकॉज ट्रेड की बात है एंड चाइना वहाँ पे जो सोलोमन आइलैंड है वहाँ पे अपने चाइनीज मिलिट्री बेस जो बना रहा है, दैट इज़ अ बिगेस्ट इशू फॉर ऑस्ट्रेलिया. जापान एंड इंडिया दे आर क्लोजेस्ट टू चाइना एंड बोथ ऑफ देम दे फेस चाइनाज क्लेम टू द टेरिटरी. तो ये चारों कंट्रीज कोई ना कोई थ्रेट्स चाइना के साथ इनके प्रेजेंट हैं. देयरफॉर वी कंट्रीज आर टुगेदर. देन यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज की बात की, विच आर रिफ्लेक्टेड इन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, दैट वी नीड टू रिस्पेक्ट दीज लॉज, वी नीड टू फॉलो दिस इंटरनेशनल लॉ एंड इनको फॉलो करते हुए वी नीड टू मेंटेन द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट. देयर वर चैलेंजेस ऑफ द मैरिटाइम रूल बेस्ड ऑर्डर वर ऑल्सो डिस्कस्ड, जिसमें ईस्ट चाइना सी साउथ चाइना सी के जो मैटर्स हैं उनको डिस्कस किया गया. कुछ नॉन सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स लिए गए, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, दे वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द की बैटल ग्राउंड्स टू एक्चुअली कंटेस्ट विद चाइना. तो ये मेन एरियाज क्वाड के समिट में डिस्कस किए गए. तो मैसेजेस क्या फॉर्म किए गए बाय द लीडर्स ऑफ दीज फोर कंट्रीज? सबसे पहले क्वाड लीडर्स ने अफर्म किया दैट दे स्ट्रांगली अपोज द कोहर्सिव एंड प्रोवोकेटिव यूनिलेटरल एक्शंस बाय चाइना दैट बेसिकली सीक टू चेंज द स्टेटस को एंड इट हाइलाइटन्स द टेंशन अक्रॉस द रीजन. कि चाइना की जो अपनी तरफ से यूनिलेटरल एक्शंस हैं जो कि बहुत कोहर्सिव हैं, प्रोवोकेटिव हैं, हम उनको अपोज करते हैं एंड वी सीक टू चेंज द स्टेटस को जो कि इस रीजन के अंदर टेंशन्स को इंक्रीज करता है, हाईलाइट करता है. मिलिट्री कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो डायलॉग मेंबर्स हैं दे विल प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डेप्थ टू द मिशन, जैसे कि एनुअल मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जाता है. वी सीक टू लेवरेज द रिसोर्सेज इन एरियाज एज वेल, जैसे कि वैक्सीन डिलीवरी का एरिया हो गया, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पॉन्स, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इन सब के अंदर हमारी जो पार्टनरशिप है, जो टाइज है वो डीपन अप रहेंगे इन ऑल दीज फेयर्स. बट देन देर आर सम डिफिकल्टीज इन पुलिंग आउट दीज इनिशिएटिव्स. नंबर वन इज कोऑपरेशन. सी, इंडिया इज पुलिंग टुगेदर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द अदर क्वाड कंट्रीज ऑन द इशू ऑफ डाटा मैनेजमेंट. तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या क्वाड कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन है? देन अभी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आया है जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है. दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्ट्रीम लाइन द क्वाड इनिशिएटिव. बट हाउ कैन वी काउंटर चाइनीज इकोनॉमिक लूट? इट रिमेन्स अ क्वेश्चन. यहाँ पे हर एक क्वाड पार्टनर को अपने बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है चाइना के साथ, अगर वो इसी तरह से फ्लरिश करता रहेगा तो किस तरीके से चाइना की जो डोमिनेंस है वो यहाँ पे डिक्रीज होगी, इन्फ्लुएंस डिक्रीज होगा, ये एक यहाँ पे क्वेश्चनेबल नो पॉइंट आता है. तो नज़र बनाए रखेंगे, इंडो पैसिफिक एरिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो चुका है, चाहे वो IBEF की रिलीज के बाद हो, चाहे वो क्वाड हो. सो यू शुड नो दैट व्हाट कंट्रीज आर डूइंग, व्हाट स्फीयर ऑफ यू नो कोऑपरेशन इज डन टू काउंटर द चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.